डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वो तो प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके हम आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं। द आइडिया इज कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो मशीन्स नेटवर्क पे जब कनेक्ट होने आते हैं उनको ऑटोमेटिकली करेक्ट आईपी एड्रेसेस और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है वो उनको असाइन हो जाए। सो फॉर दैट इट हैज टू बी डायनेमिक, राइट, कि अपने आप हो रहा है, वो चेंज हो सकता है, राइट, एक टाइम के बाद डायनेमिक होने की वजह से वो चेंज होता रहता है। सो उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाला प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है कि एक हमारे पास सर्वर होगा जिसको हम DHCP सर्वर बोलते हैं, राइट, एक सर्वर होगा, वो क्या करेगा, जो बाकी के क्लाइंट मशीन्स होंगी ना नेटवर्क में उन सबको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन देयर डिमांड्स, राइट। सो इट प्रोवाइड्स आईपी एड्रेसेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, राइट, सबनेट मास्क हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, जो भी चाहिए मशीन को बेस्ड ऑन कि क्या रिक्वेस्ट आ रही है उसको। सो इसको और अच्छे से देखते हैं। So, इसमें क्या होता है, एक तो आपका क्लाइंट है, एक आपका सर्वर है, ऑब्वियसली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। सो इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले तो जो क्लाइंट मशीन है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, उस नेटवर्क में वो हर मशीन को एक मैसेज भेजेगा कि आई वॉन्ट टू डिस्कवर मैसेज भेजेगा जिसमें वो बोलेगा कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, मेरे को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, राइट। उसके बाद क्या करेगा, सर्वर एक रेस्पॉन्ड करेगा कि ठीक है मैं आपको ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट मास्क, ये ब्रॉडकास्ट गेटवे, ये सारी डिटेल्स, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट सर्वर को दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, उस मैसेज में बोलेगा ओके आई एम विलिंग टू टेक दिस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, एंड जब भी ये रिक्वेस्ट होगा उसके बाद सर्वर उसको एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशंस देगा, राइट, और उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी आएगा। उसके बाद ही इस पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन के पास अपनी आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क या जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी चीजें उसके पास आ जाएगी, राइट। सो दो चीजें होती है, ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट बोथ आर डन। सो पहले तो ब्रॉडकास्ट करते हैं जितनी भी मशीन है, यहाँ पे मान लो इस नेटवर्क में एक और मशीन यहाँ है, एक और मशीन यहाँ है, सपोज देयर इज अनदर मशीन हियर। तो जब ब्रॉडकास्ट होगा क्लाइंट इसको भी भेजेगा, क्लाइंट इसको भी भेजेगा, क्लाइंट इसे भी भेजेगा एंड वो इसको भी भेजेगा। उसको पता नहीं है कि कौन DHCP सर्वर है, राइट, उसको नहीं पता उसको किसको रिक्वेस्ट करना है, तो वो पूरे नेटवर्क में सबको भेज देगा मैसेज, कोई भी अगर DHCP का सर्वर हो तो मुझे नेटवर्क की सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन मुझे प्रोवाइड करो। सर्वर को पता चलेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। सर्वर जैसे रिस्पॉन्ड किया उसने फिर सर्वर को दोबारा रिक्वेस्ट करके कंफर्म किया कि यस आई एम विलिंग टू टेक इट, राइट। हो सकता है मल्टीपल सर्वर हो सकता है इस नेटवर्क में एक और DHCP सर्वर है फॉर सम रीजन, राइट, तो मे बी दोनों ने आ गया, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि इसका पहले आ गया तो उसको ऑलरेडी असाइन हो गई हो, तो फिर उस केस में ये नहीं देगा उसको। तो जैसे ही उसने आईपी एड्रेस दे दिया ना, दो चीजें यहाँ पे आ जाती है। आईपी एड्रेस जैसे कि डायनेमिक है तो वो चेंज होता रहेगा सर्टेन टाइम्स के बाद, जब भी आप रिबूट कर रहे हो या फिर इन सम केसेस, तो उसमें एक टर्म आती है DHCP लीज। सो अभी बताओ लीज से हम क्या समझते हैं, टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन और गेट अथॉरिटी फॉर अ शॉर्ट टाइम, या एग्जैक्टली। सो जो शॉर्ट टाइम में बेसिकली द टर्म इज की लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इज द मेन थिंग हियर। सो जो भी ये आईपी एड्रेसेस, जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर रहा है ना क्लाइंट को, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। उस टाइम के बाद या तो ये मशीन दोबारा रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी लीज एक्सटेंड कर दो कि मैं इस आईपी एड्रेस को और ज्यादा टाइम के लिए यूज कर पाऊँ, और उसके बाद अगर तो ये लीज एक्सटेंड होती है कि हाँ तुम और थोड़े टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हो इस कॉन्फ़िगरेशंस को, देन इट्स फाइन। नहीं तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती है तो फिर इस मशीन को दोबारा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आईपी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, उसके बाद उसको दोबारा एक नया आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा, राइट, आईपी एड्रेस एंड अदर नेटवर्क सेटिंग्स। सो दैट इज द टर्म व्हिच इज DHCP लीज। तो आईपी एड्रेस आपको परमानेंटली नहीं मिल जाता है, एक लिमिटेड टाइम रहता है, उसी टाइम जोन टाइम पीरियड के लिए आपको आईपी एड्रेसेस या फिर बाकी नेटवर्क सेटिंग्स मिलता है। सो देखते हैं कि अभी असाइन होने के बाद जब ये लीज वाला प्रॉब्लम आता है कि जब एक्सीड होने वाला होता है टाइम पीरियड, तो फिर क्या होता है। सो इसमें दो टाइम पीरियड्स को हम लोग मानते हैं, राइट, कि एक हो जाता है आपका T1 टाइम, T2 टाइम। सपोज 10 दिन के लिए लीज में मुझे मिला है आईपी एड्रेस, सो T1 जनरली इट इज द 50% ऑफ इट, सो दैट मींस 5 दिन, एंड दिस 85%, सो अभी सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं 8 दिन, राइट। सो 5 दिन बाद
दोबारा एक DHCP रिक्वेस्ट यूनिकास्ट होगा सर्वर के पास दैट ओके माय लीज इज गोइंग टू बी एंड इन द नेक्स्ट 50% ऑफ द टाइम लाइक इन द नेक्स्ट 5 days, तो आप मुझे नया आप ये लीज एक्सटेंड कर दो या फिर बता दो आप मुझे. सो उस टाइम पे या तो सर्वर उसको बोल देगा ये वाला जो रिक्वेस्ट है ना DHCP एक्नॉलेजमेंट DHCP NAK, तो या तो वो एक्सेप्ट करेगा और लीज एक्सटेंड कर देगा, या तो अगर उसने एक्सटेंड नहीं किया या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अगेन जब वो 8 दिन हो जाएगा अगेन देयर विल बी अनदर रिक्वेस्ट मेड फ्रॉम द क्लाइंट साइड टू द सर्वर साइड. जैसे ही रिक्वेस्ट गया उस टाइम पे फिर अगेन या तो वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके लीज एक्सटेंड कर देगा सर्वर, और अगर एक्सेप्ट नहीं होता है लीज एक्सटेंड नहीं होता है जैसे ही ये 10 days कंप्लीट होंगे ना वो IP एड्रेस रिलीज करेगा एंड देन वो नए IP एड्रेसेस के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट डालेगा जैसे हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में किया था, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना. तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा होने वाला है राइट. सो इट वाज अबाउट दिस, सो दिस वाज अबाउट DHCP लीज, DHCP लीज रिन्यूअल. सो लेट्स गो अहेड. अभी DHCP एड्रेस कैसे असाइन करते हैं राइट, कैसे सिस्टम से आप मैनुअली आप कॉल कर सकते हो कि आपको DHCP एड्रेस प्रोवाइड हो. सो उसके लिए अगेन sudo यूज करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस कर रहे हो. सो sudo यूज करके DH क्लाइंट इज द टूल दैट यू यूज, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है आपके पास सिस्टम में. एंड अभी क्या कर रहा है ना, आपके पास अगर IP एड्रेस है और अगर आप कॉल करोगे तो आपको नया IP एड्रेस या कॉन्फ़िगरेशन एलोकेट नहीं होने वाली है. सो इन दैट केस यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर आपके पास प्री एलोकेट है और आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करना है तो आप ये -R ऑप्शन यूज कर सकते हो टू रिमूव all the IP addresses that you have, IP address and the network configuration for this particular interface. आप उसको रिलीज कर रहे हो, रिलीज एक बार हो जाता है आप IP config करके चेक कर सकते हो कि आपको IP address वगैरह allocated नहीं है रहे. So after that आप क्या करोगे, you will use sudo DH client और उसका जिस interface पे आपको चाहिए वो addresses वो आप interface का name डाल के आप request करते हो and then आपके पास आ जाती है, एलोकेट हो जाती है एंड देन यू कैन चेक विद IP config कि हाँ आपको IP एड्रेस अलॉट हो गया है. सो नाउ लेट्स एनालाइज DHCP विद वायरशार्क, देखते हैं कि कैसे पैकेट ट्रांसफर होते हैं राइट. सो आई होप द पैकेट कैप्चर्स आर विजिबल टू यू. तो अभी क्या है ना, इसमें आप देखो DHCP के भी पैकेट्स है, TLS है, TCP है, अलग अलग पैकेट्स है राइट. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, DHCP को फिल्टर लगाते हैं राइट. सो यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट पैकेट है वो सोर्स से जा रहा है डेस्टिनेशन को एंड इसका जो सोर्स IP है 0.0.0.0 राइट. सो इसका क्या मीनिंग है, इसका वही मीनिंग है कि हमारे पास कोई IP एड्रेस असाइन नहीं है सोर्स मशीन के पास राइट. 0.0.0 पे कुछ नहीं होता राइट. तो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू बस स्टोर्ड है, डमी वैल्यू है, इट्स नॉट द रियल IP एड्रेस ऑफ द मशीन. किसी का भी IP एड्रेस 0.0.0 नहीं हो सकता राइट. और उसके बाद ब्रॉडकास्ट किया गया है, That's why the destination IP is this, right? और उसमें मैसेज में क्या आया, चलो देखते हैं. DHCP प्रोटोकॉल तो यूज हो रहा है, अब मैसेज में देखते हैं क्या आया है. सो मैसेज में आ रहा है बूट रिक्वेस्ट है ये एंड क्लाइंट IP एड्रेस ऑब्वियसली 00 है अभी क्योंकि उसके पास कुछ असाइंड नहीं है राइट. अभी मैसेज टाइप 1 है तो उसमें वो क्या मांग रहा है, ये होस्ट नेम है जिस मशीन से वो आया है रिक्वेस्ट. तो पैरामीटर्स क्या क्या उसको चाहिए उसका एक पूरा लिस्ट है. सो ब्रॉडकास्ट में जो मशीन है आपका वो बता रहा है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे सबनेट मास्क चाहिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस चाहिए, राउटर, डोमेन नेम, DNS, सब कुछ जो जो चाहिए उसको, वो सारी चीजें डिटेल्स में यहाँ पे लिस्ट कर रहा है एंड देन उसने ये ब्रॉडकास्ट कर दिया. सो अभी जब उसने ब्रॉडकास्ट किया उसके बाद जो नेक्स्ट उसको रिस्पॉन्स आता है वो आता है 10.2.2 से विच इज आवर DHCP सर्वर इन दिस केस राइट. So, इसमें क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में अभी देखते हैं. चलो बूट रिप्लाई है, ये रिप्लाई है उस रिक्वेस्ट का. देखो ये ब्रॉडकास्ट पे गया था बट यहाँ पे एक यूनिकास्ट एड्रेस टाइप में जा रहा है. अभी ये 10.0.2.15 हो गया है बाय डिफॉल्ट बिकॉज उसको असाइन हो गई थी यहाँ पे, मतलब वो ऐसा दिखा रहा है वायरशार्क बट हियर इट इज एक्चुअली बेसिकली सेंडिंग द रिस्पॉन्स की हाँ दिस इज द रिक्वेस्ट राइट. लाइक दिस इज द थिंग्स दैट यू कैन हैव DHCP मैसेज टाइप ऑफर कर रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ पे सबनेट मास्क है, देन राउटर का एड्रेस है राइट, डोमेन नेम सर्वर्स आर प्रोवाइडेड, लीज टाइम क्या है 1 day लीज है. तो एक दिन बाद या तो उसको लीज एक्सटेंड करना पड़ेगा या तो दोबारा से उसको रिक्वेस्ट करके एंड देन यू विल हैव टू टेक इट अगेन राइट. दिस इज द एंडिंग ऑफ द ऑप्शन.
दिस वॉज हाउ द DHCP प्रोटोकॉल लुक्स लाइक इन वायरशार्क, अगर आप वायरशार्क के साथ देख रहे हो राइट. तो आप देख सकते हो राइट, यहाँ पे वो गया DHCP ऑफर किया एंड देन DHCP का रिक्वेस्ट किया, दोबारा से ऑफर हुआ, अगेन DHCP रिक्वेस्ट किया राइट, दैट वाज अ डिफरेंट पैकेट एक्चुअली. तो ये जो भी हमने अभी डिस्कस किया ना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में दोबारा डाल दिया है.